Hello everyone. Today I shall be talking on painless delivery or epidural analgesia, मतलब हिंदी में दर्द रहित प्रसव. बहुत सारे लोग painless delivery के लिए मुझे पूछते हैं कि painless delivery के बहुत सारे side effects और complications हैं, तो ये करवाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों को उसके complication और side effects पता कैसे चल जाते हैं, क्योंकि अभी भी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा uptake नहीं है painless delivery का. आउट ऑफ अगर मैं महीने में 50 डिलीवरीज करवा रही हूँ तो उसमें से मुश्किल से 5 पेशेंट एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट करते हैं. तो मुझे लगता ही नहीं कि इतना ज़्यादा लोगों को एपिड्यूरल के बारे में पता है कि वो उसके बारे में एक कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं कि पेनलेस डिलीवरी से पेशेंट को दिक्कत होती है. ये बात बहुत ही क्लियर है कि पेनलेस डिलीवरी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग पेन नहीं सहन कर पाते. पेन की वजह से बहुत सारे लोग 9th मंथ में या इवन लेबर पेन्स के दौरान मुझे कहते हैं कि मैम हमारा सिजेरियन कर दीजिए, और मुझे लगता है कि पेशेंट अभी 3-4 आवर्स में नॉर्मल डिलीवर हो जाएगी, पर लेकिन वो क्योंकि पेन की वजह से उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार हमें कहते रहते हैं मरीज़ कि आप हमारा सिजेरियन कर दीजिए. पर लेकिन अगर वो पेनलेस ऑप्ट करते हैं तो पेनलेस में वो कम्फर्टेबल हो जाते हैं और वो स्मूथली नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं. तो कई बार पेशेंट काफ़ी थैंकफुल हो जाता है कि मैम हम तो सिजेरियन के लिए कह रहे थे और आपने पेनलेस लगवा के और हमारी नॉर्मल डिलीवरी करवा दी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू. तो मेरा आप लोगों को सिर्फ यही सलाह है कि आप पेनलेस डिलीवरी ऑप्ट करिए इन केस अगर आप पेन नहीं बेयर कर पाते. रादर देन डायरेक्टली ऑप्टिंग फॉर सिजेरियन सेक्शन, यू शुड थिंक ऑफ पेनलेस डिलीवरी फॉर ट्रायल ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी. अब पेनलेस डिलीवरी पहले से डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पेनलेस डिलीवरी पहले से कोई नहीं डिसाइड कर सकता. किसकी कितनी टॉलरेंस है उसे पता ही नहीं है. किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसे क्या पता कि वो प्रेगनेंसी में लेबर पेन सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. जब एक्चुअली लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तभी पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि वेदर शी कैन बेयर द लेबर पेन और शी कैन नॉट. इन केस इफ़ शी फील्स कि शी इज़ अनेबल टू बेयर लेबर पेन्स, सो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स नाउअडेज इन जयपुर आर ऑफरिंग पेनलेस लेबर. तो आप 24/7 किसी भी टाइम पे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर से कि आप हमें मैम पेनलेस फैसिलिटी दे दीजिए ताकि हम पेन फ्री हो जाएं और कंफर्टेबल हो जाएं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर लें. नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेनलेस लेबर? एज सच इनका कोई मदर या बेबी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेनलेस करवाने से हमेशा नॉर्मल ही हो जाती है. ऐसा नहीं है. जो कारण सिजेरियन के होते हैं जैसे बच्चे का नीचे ना खिसकना या बच्चे का फंस जाना या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलना या बच्चे की धड़कन कम हो जाना या बच्चे का अंदर ही पॉटी कर देना, इस तरह की चीज़ें अगर पेनलेस डिलीवरी के दौरान भी होती है तो सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ सकती है. दूसरा, क्योंकि मदर को सेंसेशन लॉस हो जाता है, मदर को नहीं पता चलता कि उसको पेन्स चल रहे हैं या उसको अब पुश करने की ज़रूरत है, बेयर डाउन करने की ज़रूरत है, तो बहुत बार मदर बेयर डाउन नहीं कर पाती और उसे वैक्यूम डिलीवरी करवानी पड़ती है. वैक्यूम डिलीवरी एक प्रकार की ऑपरेटिव डिलीवरी होती है जो मदर और बेबी के लिए बिल्कुल सेफ होती है. एंड ऐसे भी वैक्यूम डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेनलेस डिलीवरी के दौरान ही मरीज़ को ज़्यादा करवानी पड़ती है. इवन इन पेशेंट्स हु आर हैविंग पेन्स एंड हु आर बेयरिंग डाउन फॉर डिलीवरी आर अनेबल टू बेयर पेन, और समटाइम्स हमें वैक्यूम सिर्फ इसलिए लगाना पड़ जाता है क्योंकि लास्ट में बच्चे की धड़कन बहुत बार 60-80 ऐसी हो जाती है जिसमें हम अगर बहुत ज़्यादा वेट करें तो वी मे लूज़ द चाइल्ड. तो वैक्यूम डिलीवरी भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको एपिड्यूरल के लिए सेकेंड थाट देना पड़े. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैम एपिड्यूरल लगवाने से बैक एक हो जाता है. हाउ कैन अ स्मॉल नीडल गिव अ बैक एक टू द पेशेंट लास्टिंग लाइफ लॉन्ग? दिस इज़ अ प्योर मिथ. एक छोटी सी नीडल पेशेंट को ज़िंदगी भर बैक एक कैसे दे सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आता. तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, और आप इन भ्रांतियों और ये जो सोसाइटी में जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उसके ऊपर विश्वास करने के बजाय आपके जो डॉक्टर आपको ओपीडी के दौरान समझाते हैं कि पेनलेस डिलीवरी करवाना किस कंडीशन में आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उस चीज़ को सुनिए और समझिए. और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया मदर और बेबी और लेबर पेन्स के लिए बहुत बहुत सेफ़ और सुरक्षित है. थैंक यू.